नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि मिश्रा, घरेलू नुस्खे में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको बहुत ही आसान तरीके से गुरुवार पूजा विधि बताऊंगी। यदि आप जॉब पे जाते हैं या कुछ गर्ल्स कॉलेज वगैरह जाती हैं तो उन्हें जल्दी रहती है, तो जल्दी जल्दी में आसान तरीके से पूजा कैसे की जाए आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गुरुवार को सबसे पहले स्नान आदि करके एक साफ जगह पे जहाँ पे आप पूजा करना चाहते हैं वहाँ एक साफ आसन बिछा लीजिए। फिर भगवान विष्णु की फ़ोटो रखकर उन्हें पीला वस्त्र अर्पित कीजिए। यहाँ पे मैं भगवान विष्णु को शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ। फिर मैं केले की जड़ में जल अर्पित करने के लिए जल में कुछ चना और गुड़ डाल रही हूँ। लोटे में चना, चना की कुछ दाल और गुड़ और पीला चंदन डालूँगी लोटे में। मैं भगवान विष्णु को पीला चंदन लगा रही हूँ। प्रसाद में जो चने की दाल मैंने चढ़ाया है उन्हें 2 घंटे पहले मैंने भिगो लिए थे जिससे वो अच्छी तरह से फूल जाएं। इस दिन पीले वस्त्र भी धारण करना चाहिए। मैं यहाँ पे लोटे में पीला चंदन डाल रही हूँ क्योंकि मैं चना और गुड़ डालने के बाद मैं पीला चंदन डालना भूल गई थी, तो मैं इस वजह से अभी डाल रही हूँ। कोई भी पूजा करने से पहले हम दिया जलाएंगे। मैंने यहाँ पे दिया जला लिया है। भगवान के सामने दिया जलते ही एक रौनक सी आ जाती है। फिर भगवान विष्णु को मैं पीला पुष्प अर्पित करूंगी। भगवान विष्णु को पीला पुष्प ही चढ़ाना चाहिए। अगर पीला फूल किसी वजह से नहीं मिल पा रहा तो आप गुलाब भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पीला फूल ही चढ़ाएं। देखिए मैंने यहाँ पीला फूल और कुछ गुलाब मैंने भगवान विष्णु को चढ़ाएं। फिर मैं यहाँ अगरबत्ती बृहस्पति देव को दिखाऊंगी और अपने मन में जप करते रहना है, ओम ब्रिंग विश्वता नमः, ओम ब्रिंग विश्वता नमः, ऐसे करके जप करते रहें। फिर मैं अगरबत्ती लगा दूंगी स्टैंड में। फिर मैं भगवान विष्णु को भोग अर्पित कर रही हूँ। भोग में मैंने चने की दाल और गुड़, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाला हुआ है। भगवान विष्णु भोग लगाते समय भगवान विष्णु को बृहस्पति देव जी से बोलना है, भगवान जी भोग स्वीकार करें, भगवान जी भोग स्वीकार करें। भोग में मैं केला भी चढ़ाऊंगी। भोग में तुलसी जी का पत्ता भी चढ़ाना चाहिए। अब मैं भगवान विष्णु जी की कथा पढ़ूंगी। जिस किताब से पढ़ूंगी उसकी भी पूजा कर लेती हूँ। सबसे पहले किताब पर थोड़ा सा जल लेकर स्नान कराऊंगी, फिर पीला चंदन अर्पित करूंगी। फिर पीला पुष्प अर्पित करूंगी। ये बृहस्पतिवार व्रत कथा है। ये आसानी से मार्केट में किसी भी दुकान पे मिल जाती है। इसके बाद बुक के अंदर गुरुवार के व्रत की विधि दी गई है। इस व्रत के करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति देव महाराज प्रसन्न होते हैं, धन विद्या पुत्र और मनोवांछित फल देते हैं। जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी इच्छाओं को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास करना चाहिए।
बृहस्पतिदेव पूजा करने से परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। इसके नीचे अर्थ बृहस्पति व्रत कथा दिया गया है, इस कथा को पढ़ना है। फिर दूसरी बृहस्पतिदेव की कहानी दिया गया, इस कहानी को भी पढ़ना है। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें आरती करनी है। बृहस्पति देव की आरती किताब में सबसे पीछे दिया गया है। आरती पढ़ने के बाद फिर हम केले के जड़ में जल अर्पित करेंगे। केले में जल अर्पित करने के लिए मैंने लोटे में पहले से ही चने की दाल, गुड़ और पीला चंदन डाल लिया है। अगर आपके घर में स्पेस नहीं है तो केले का पेड़ गमले या कोई पुरानी बाल्टी हो उसमें लगा सकते हैं। देखिए, मैंने केला का पेड़ गमले में लगाया है, बगल में तुलसी जी का भी पेड़ लगाया है। सबसे पहले मैंने केले की जड़ में स्नान करा रही हूँ। फिर मैं पीला पुष्प अर्पित करूँगी। हमारे पास ज़्यादा पीला फूल नहीं था सो मैंने रेड फ्लावर ही चढ़ा दिया है। फिर मैं पीला चंदन लगाऊंगी। देखिए, मैं इस प्रकार आपको भी लगा लेना है। फिर मैं केले की जड़ में दिया दिखाऊंगी, साथ में अगरबत्ती भी दिखाऊंगी। देखिए, मैंने यहाँ पे दिया जला लिया है। अब मैं बृहस्पति देव को से प्रार्थना करूँगी और उन्हें दिया दिखाऊँगी। इसके बाद मैं अगरबत्ती भी दिखाऊँगी। फिर लोटे का जल केले के जड़ में चढ़ाऊँगी। फिर भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करूंगी हाथ जोड़ के। भगवान बृहस्पति देव की कथा इस वीडियो के आगे है, अगर सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। मैं आगे ही इस कथा को भी जोड़ दूंगी इस वीडियो में। देखिए, तुलसी जी का पौधा यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद भगवान से भी क्षमा मांग लूँगी आके। भगवान जी, माफ़ कीजिएगा जो भी भूल चूक हुआ हो पूजा करते समय। फिर भगवान बृहस्पतिदेव से पैर छू के उनसे क्षमा मांगूंगी कि पूजा करते समय जो भी हमसे भूल चूक हुई उसे माफ़ करना। देखिए, इस प्रकार मैंने पूजा कर लिया है, इसी प्रकार आपको भी करना है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नेत्रपति मंदिर में दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी और न किसी को भी एक पैसा दान के रूप में देती थी तथा राजा से भी ऐसे करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता, इस कार्य के लिए तो मेरे पति देह ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याओ बनवाओ,
ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बाग, बगीचों आदि के निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, ऐसी धन की आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने संभालने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार सात बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। तीन बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारी भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगी कि रानी, तुम यहाँ पे रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, आप पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तुम उसके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर अनाज मांग के ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई। तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज़ बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर अनाज दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव आ रानी के पास आके बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, क्योंकि मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उनसे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर अनाज लेने के लिए भेजा था। सार रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। तब तो वह रानी और दासी को बहुत ही खुशी हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज़ ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। जब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चना की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कहानी सुनें, इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन
पीला भोजन कहाँ से आवे, बिचारी बहुत दुखी हुई। उन्होंने व्रत किया था इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। दो थालों में सुंदर पीला भोजन लेके आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाके बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। दासी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, तुम ही भोजन कर लो, क्यों व्रत में हमारी हंसी उड़ाती रहती हो। दासी बोली, हे एक महात्मा, भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तुम्हारे लिए ही दे गया होगा, तुम ही भोजन करो। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को दो थालों में भोजन दे के गया है, इसीलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार भोजन प्रारंभ किया तथा वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत तथा विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया है। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य हो रहा है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवा के दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्चा करो जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और प्रीत प्रसन्न हुए। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए तो काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं थी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने के लिए तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो दुखी रहने लगा था, प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बिनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी ये बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किन चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भराया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहने पर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का अपराध किया था जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खोज खबर मांग सकूं, फिर कौन सी कहानी कहूं, या मुझको कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पतिवार का पूजा का सम्मान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बड़ी मालिनता के साथ रहती थी, वह न स्नान करती थी न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और
पाठशाला जाने के मार्ग पे डाल दी जाती। वही जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उसको बिनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिवार से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पतिवार देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ होके निकला इस कन्या के रूप में और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? सो कहो, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रशंसा हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बात ही ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्थाओं को देखा और अपनी माँ का समाचार बताया। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया, सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आ लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ एक बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उस कोठी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला और स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया। उसकी माँ बहुत धनवान व पुत्रवती हो गई और बृहस्पतिवार जी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा राज्य में यह घोषणा करा दी गई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे तथा आग भी न जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे, इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले आए। ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटे पर पड़ी जिसका उसका नौलखा हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार उस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुलवाकर उसको जेलखाने में डलवा दिया गया। जब राजा जेलखाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पतिदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिदेव की पूजा नहीं की थी, इसी कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिदेव की पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पतिदेव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है।
हुआ राजा है उसे छोड़ देना, रानी का हार उसी खूंटे पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट करवा दूंगा। इस तरह के रात इस स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पे हाथ टंगा देकर लगहारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग तालाब कुएं और बहुत सी धर्मशाला मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है, तब नगर के सब लोग कहने लगे यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी राजा आ रहे हैं तो अपनी दासी से कहा, हे दासी देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसीलिए तुम दरवाजे पे खड़ी हो जाओ। दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ घर लिवा लाई। जब राजा ने कूद करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगी, यह बताओ कि यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है, तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती थी, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे के लिए जा रहे हैं, उसे रोक कर कहा, अरे भैया मेरी बृहस्पति जी की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा आदमी मर गया है, आपको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ करके गिर गए तथा उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेके आई, उसने जब यह देखा तो अपनी पुत्र से सब हाल पूछा, तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए, किसान के पेट में दर्द होना बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया, बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं बाद में अन्य काम करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊँ। वह ऐसा कहके देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह कुमार के घर के गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर ओर प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही, सास बोली चली जाओ, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई औलाद नहीं होती है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तुम ही चल के क्या करोगी। बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा और सभी सोच को त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती, जब मेरी बहन आवे
तुम उनसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत ही खुश हुई, बधाई लेके अपनी भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसी ही हैं, जैसे जिसके मन की कामनाएँ होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावनापूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सबों में मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उसकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति जी ने पूर्ण की। इसीलिए सब कथा सुनने के बाद प्रसाद लेके जाना चाहिए, हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। ओम बृहस्पताय नमः। बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नेत्रपति मंदिर में दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी और न किसी को भी एक पैसा दान के रूप में देती थी तथा राजा से भी ऐसे करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता, इस कार्य के लिए तो मेरे पति देह ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याओ बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बाग, बगीचों आदि के निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, ऐसी धन की आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने संभालने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार साथ बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। तीन बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारी भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगी कि रानी, तुम यहाँ पे रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, आप पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तुम उसके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर अनाज मांग के ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज़ बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर अनाज दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया,
क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव आ रानी के पास आके बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, क्योंकि मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उनसे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर अनाज लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। तब तो वह रानी और दासी को बहुत ही खुशी हुई और दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। जब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चना की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कहानी सुनें, इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन, पीला भोजन कहाँ से आवे, बिचारी बहुत दुखी हुई, उन्होंने व्रत किया था इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेके आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाके बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। दासी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, तुम ही भोजन कर लो, क्यों व्रत में हमारी हंसी उड़ाती रहती हो? दासी बोली, हे एक महात्मा, भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तुम्हारे लिए ही दे गया होगा, तुम ही भोजन करो। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे के गया है, इसीलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार भोजन प्रारंभ किया तथा वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत तथा विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया है, अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य हो रहा है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवा के दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्चा करो, जिससे तुम्हारे का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और प्रीत प्रसन्न हुए। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए तो काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं थी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने के लिए तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो दुखी रहने लगा था, प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बिनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपने पुराने ये बातों को याद करके रोने लगा।
तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किन चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भराया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहने पर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का अपराध किया था जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खोज खबर मांग सकूं। फिर कौन सी कहानी कहूं, या मुझको कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भात भोजन कर लोगे और बृहस्पतिवार का पूजा का सम्मान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बड़ी मालिनता के साथ रहती थी, वह न स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग पे डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उसको बिनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिवार से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पतिवार देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, उस समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ होके निकला इस कन्या के रूप में और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है, किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है, सो कहो, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रशंसा हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बात ही ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्थाओं को देखा और अपनी माँ का समाचार बताया। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया।
सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ एक बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उस कोठी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला और स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया। उसकी माँ बहुत धनवान व पुत्रवती हो गई और बृहस्पतिवार जी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा राज्य में यह घोषणा करा दी गई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे तथा आग भी न जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले आए। ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटे पर पड़ी जिसका उसका नौलखा हार लटका हुआ था। वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार उस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया गया। जब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पतिदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिदेव की पूजा नहीं की थी, इसी कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिदेव की पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पतिदेव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटे पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट करवा दूंगा। इस तरह के रात इस स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पे हाथ टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी राजा आ रहे हैं तो अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसीलिए तुम दरवाजे पे खड़ी हो जाओ। दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ घर लिवा लाई। जब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगी, यह बताओ कि यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती थी, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे के लिए जा रहे हैं। उसे रोक कर कहा, अरे भैया, मेरी बृहस्पति जी की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा आदमी मर गया है, आपको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा।
जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ करके गिर गए तथा उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेके आई। उसने जब यह देखा तो अपनी पुत्र से सब हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट में दर्द होना बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह कुमार के घर के गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर ओर प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही, सास बोली, चली जाओ, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई औलाद नहीं होती है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तुम ही चल के क्या करोगी। बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, और सभी सोच को त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उनसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत ही खुश हुई, बधाई लेके अपनी भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसी ही हैं, जैसे जिसके मन की कामनाएँ होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावनापूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उसकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति जी ने पूर्ण की। इसीलिए सब कथा सुनने के बाद प्रसाद लेके जाना चाहिए, हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। ओम बृहस्पताय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि मिश्रा घरेलू नुस्खे में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको बहुत ही आसान तरीके से गुरुवार पूजा विधि बताऊंगी। यदि आप जॉब पे जाते हैं या कुछ गर्ल्स कॉलेज वगैरह जाती हैं तो उन्हें जल्दी रहती है, तो जल्दी जल्दी में आसान तरीके से पूजा कैसे की जाए आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गुरुवार को सबसे पहले स्नान आदि करके एक साफ जगह पे जहाँ पे आप पूजा करना चाहते हैं वहाँ एक साफ आसन बिछा लीजिए। फिर भगवान विष्णु की फ़ोटो रखकर उन्हें पीला वस्त्र अर्पित कीजिए। यहाँ पे मैं भगवान विष्णु को शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ। फिर मैं केले की जड़ में जल अर्पित करने के लिए जल में कुछ चना और गुड़ डाल रही हूँ। लोटे में चना की कुछ दाल और गुड़ और पीला चंदन डालूंगी लोटे में। मैं भगवान विष्णु को पीला चंदन लगा रही हूँ। प्रसाद में जो चने की दाल मैंने चढ़ाया है उन्हें 2 घंटे पहले मैंने भिगो लिए थे जिससे वो अच्छी तरह से फूल जाएं। इस दिन पीले वस्त्र भी धारण करना चाहिए।
मैं यहाँ पे लोटे में पीला चंदन डाल रही हूँ, क्योंकि मैं चना और गुड़ डालने के बाद मैं पीला चंदन डालना भूल गई थी, तो मैं इस वजह से अभी डाल रही हूँ। कोई भी पूजा करने से पहले हम दिया जलाएंगे। मैंने यहाँ पे दिया जला लिया है। भगवान के सामने दिया जलते ही एक रौनक सी आ जाती है। फिर भगवान विष्णु को मैं पीला पुष्प अर्पित करूँगी। भगवान विष्णु को पीला पुष्प ही चढ़ाना चाहिए। अगर पीला फूल किसी वजह से नहीं मिल पा रहा तो आप गुलाब भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पीला फूल ही चढ़ाएं। देखिए मैंने यहाँ पीला फूल और कुछ गुलाब मैंने भगवान विष्णु को चढ़ाए। फिर मैं यहाँ अगरबत्ती बृहस्पति देव को दिखाऊंगी और अपने मन में जप करते रहना है, ओम ब्रिंग विश्वता नमः, ओम ब्रिंग विश्वता नमः, ऐसे करके जप करते रहें। फिर मैं अगरबत्ती लगा दूंगी स्टैंड में। फिर मैं भगवान विष्णु को भोग अर्पित कर रही हूँ। भोग में मैंने चने की दाल और गुड़, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाला हुआ है। भगवान विष्णु भोग लगाते समय भगवान विष्णु को बृहस्पति देव जी से बोलना है, भगवान जी भोग स्वीकार करें, भगवान जी भोग स्वीकार करें। भोग में मैं केला भी चढ़ाऊंगी। भोग में तुलसी जी का पत्ता भी चढ़ाना चाहिए। अब मैं भगवान विष्णु जी की कथा पढ़ूंगी। जिस किताब से पढ़ूंगी उसकी भी पूजा कर लेती हूँ। सबसे पहले किताब पर थोड़ा सा जल लेकर स्नान कराऊंगी, फिर पीला चंदन अर्पित करूंगी। फिर पीला पुष्प अर्पित करूंगी। ये बृहस्पतिवार व्रत कथा है। ये आसानी से मार्केट में किसी भी दुकान पे मिल जाती है। इसके बाद बुक के अंदर गुरुवार के व्रत की विधि दी गई है। इस व्रत के करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति देव महाराज प्रसन्न होते हैं, धन विद्या पुत्र और मनोवांछित फल देते हैं। जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी इच्छाओं को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास करना चाहिए। बृहस्पति देव पूजा करने से परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। इसके नीचे अर्थ बृहस्पति व्रत कथा दिया गया है, इस कथा को पढ़ना है। फिर दूसरी बृहस्पति की कहानी दिया गया, इस कहानी को भी पढ़ना है। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें आरती करनी है। बृहस्पति देव की आरती किताब में सबसे पीछे दिया गया है। आरती पढ़ने के बाद फिर हम केले के जड़ में जल अर्पित करेंगे। केले में जल अर्पित करने के लिए मैंने लोटे में पहले से ही चने की दाल, गुड़ और पीला चंदन डाल लिया है। अगर घर आपके घर में स्पेस नहीं है तो केले का पेड़ गमले या कोई पुरानी बाल्टी हो उसमें लगा सकते हैं। देखिए मैंने केला के पेड़ गमले में लगाया है, बगल में तुलसी जी का भी पेड़ लगाया है। सबसे पहले मैंने केले की जड़ में स्नान करा रही हूँ। फिर मैं पीला पुष्प अर्पित करूंगी। हमारे पास ज़्यादा पीला फूल नहीं था सो मैंने रेड फ्लावर ही चढ़ा दिया है। फिर मैं पीला चंदन लगाऊंगी। देखिए मैं इस प्रकार आपको भी लगा लेना है।
फिर मैं केले की जड़ में दिया दिखाऊंगी, साथ में अगरबत्ती भी दिखाऊंगी। देखिए मैंने यहाँ पे दिया जला लिया है। अब मैं बृहस्पति देव को से प्रार्थना करूँगी और उन्हें दिया दिखाऊँगी। इसके बाद मैं अगरबत्ती भी मैं दिखाऊँगी। फिर लोटे का जल केले के जड़ में चढ़ाऊँगी। फिर भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करूंगी हाथ जोड़ के। भगवान बृहस्पति देव की कथा इस वीडियो के आगे है, अगर सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। मैं आगे ही इस कथा को भी जोड़ दूंगी इस वीडियो में। देखिए तुलसी जी का पौधा यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद भगवान से भी क्षमा मांग लूँगी आके, भगवान जी माफ़ कीजिएगा जो भी भूल चूक हुआ हो पूजा करते समय। फिर भगवान बृहस्पति से पैर छू के उनसे क्षमा मांगूंगी कि पूजा करते समय जो भी हमसे भूल चूक हुई उसे माफ़ करना। देखिए इस प्रकार मैंने पूजा कर लिया है, इसी प्रकार आपको भी करना है।